इस साल की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल मूवीज थिएटर के अंदर रिलीज हो चुकी है, जिसको दो दिन हो चुके हैं और मेरे हिसाब से तुम में से बहुत सारे लोगों ने देख चुका है। केरला स्टोरी नाम है इसका और पिछले साल जब टीजर रिलीज हुआ था तब से ये कंट्रोवर्सी में आई है। हाई कोर्ट में मामला गया, मूवी के प्रोड्यूसर्स ने इसका टीजर इंटरनेट से डिलीट कर दिया। पिक्चर की रिलीज के ऊपर तक स्टे लगाने की बात चल रही थी। केरला के अंदर कितने शोज कैंसिल हो चुके हैं इसके, आम पब्लिक की तो बात ही छोड़ दो, पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो चुकी है और रिलीज के 9 दिन पहले इसका ट्रेलर निकाला था। तो मेरे ख्याल से इतना बोलना ठीक होगा कि रिलीज से पहले इसने बहुत बड़ा रोलर कोस्टर वाला राइड देख लिया है। लेकिन पिक्चर कैसी है? सबसे पहली बात तो जब ये पिक्चर चालू होती है तो अपने सामने एक बहुत बड़ा डिस्क्लेमर रखा जाता है। ये मूवी इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स तो है, लेकिन इसके अंदर दिखाने के लिए उन्होंने क्रिएटिव लिबर्टी ली है, कई इवेंट्स को फिक्शनलाइज और ड्रामेटाइज किया है, तो इसलिए मूवी के अंदर दिखाई गई सारी की सारी चीजें एकदम ट्रू और 100% एक्यूरेट है, ऐसा मत मान लेना। 100 के बदले कितना 90, 95, 99 या फिर 0 तुम अपने हिसाब से रिसर्च करके समझ लो, क्योंकि उसके ऊपर ज्ञान देना मेरा काम नहीं है। मैं सिर्फ मूवी और मूवी की क्वालिटीज के बारे में बात करूंगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। इस केरला स्टोरी मूवी के अंदर अपने को 4 लड़कियों की कहानी बताई जाती है, जो कि स्टडी करने के लिए एक दूसरे कॉलेज में जाती है और वहां पे कैसे धीरे धीरे करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता है, ताकि इंडिया में रहने वाली एकदम सीधी सादी लड़कियां भी तैयार हो जाए ISIS का टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के लिए। ये चीज कैसे अचीव करी जाती है? रिलीजन को टारगेट करके, जो मेन कैरेक्टर से पिक्चर के उनको बताया जाता है कि तुम्हारा जो एग्जिस्टिंग धर्म है उसके अंदर कितनी सारी कमियां है और अगर तुम चेंज करके इसमें आ जाओगे तो कितना अच्छा हो जाएगा। यहां पर खत्म होता है प्लॉट का सिनॉप्सिस। अब अगर तुम मन बना रहे हो पिक्चर देखने का तो सबसे पहला एडवाइस मैं देना चाहूंगा कि मूवी कई जगहों पे बहुत ज्यादा ब्रूटल हो जाती है। ए रेटिंग मिला हुआ है इसको, तो 18+ लोगों के लिए पिक्चर बनाई है और उसके अंदर जो मारकाट, वॉयलेंस और रेप वाले सीन दिखाए हैं वो अनसेटलिंग हो सकते हैं। इन्हीं ब्रूटल सीन्स के अंदर जो अपने को VFX दिखता है वो मैं ठीक ठाक अच्छा ही बोलूंगा, क्योंकि काम चल तो जाता है, लेकिन कमियां है। कई सीन्स के अंदर ग्रीन स्क्रीन यूज किया है, ये बहुत ज्यादा ऑब्वियस है। स्क्रीन प्ले द केरला स्टोरी का मैं बहुत ज्यादा बेसिक बोलूंगा। अब इसके अंदर के जो सीन्स है वो हिट जरूर करते हैं, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि स्टोरी के अंदर वो सिचुएशन मौजूद है, पिक्चर अपनी तरफ से कुछ एक्स्ट्रा नहीं करती। और मूवी का एंड आते आते तो इसका स्क्रीन प्ले गिरने लगा था। बहुत सारे सीन्स ऐसे जहां पे तुम लॉजिकल क्वेश्चन करने लगते हो कि ये क्या है, क्योंकि 2 घंटे 20 मिनट की जो ये पिक्चर है वो बिल्ड किए जा रही है वो फाइनल मोमेंट तक। और जब वो मोमेंट आता है, कैरेक्टर और उसका पास्ट अपने को पता है, लेकिन उसका वो एग्जैक्ट डिसीजन उतना कन्विंसिंग नहीं लगता। इस मूवी को डेफिनेटली एक अच्छे स्क्रीन प्ले की जरूरत थी। और मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मुझे ऐसा फील हुआ कि मूवी के अंदर काफी चीजें रिपीट पे रिपीट किए जा रही है। प्रॉब्लम उसको लेके नहीं है, क्योंकि तुम सोचने जाओगे तो किसी को ब्रेन वॉश भी ऐसे ही किया जाता है थोड़ा थोड़ा करके। लेकिन एक ऐसी मूवी जिसकी राइटिंग काफी ज्यादा बढ़िया है, वो ऑडियंस को फील नहीं करवाती कि वो चीजें रिपीट कर रही है। द केरला स्टोरी के अंदर पॉजिटिव्स की हम लोग बात करें तो जिन लोकेशंस पे जाके पिक्चर की शूटिंग हुई है काफी ज्यादा बढ़िया। कुछ शॉट्स थे मूवी के अंदर इतने ज्यादा खूबसूरत, इंक्लूडिंग मूवी की जो मेन लीड है आदा शर्मा, और उनका परफॉर्मेंस भी इस पिक्चर के अंदर मेजॉरिटी सीन्स के अंदर बहुत बढ़िया था। लेकिन साथ में कुछ ऐसे सीन्स भी थे साइड एक्टर्स को लेकर जो कॉमिकल फील हुए। समझ में नहीं आया कि यहां पे मुझे सीरियस होना है हंसना है। म्यूजिक भी इस मूवी के अंदर एक पॉजिटिव एस्पेक्ट को ऐड करता है और एक ट्रैक के अंदर जो हंटर मारने वाला साउंड डिफेक्ट उन्होंने यूज किया काफी बेहतरीन डिसीजन, क्योंकि वो सीन्स के साथ साथ मुझे भी हिट हो रहा था, लग रहा है भाई को सच में मार रहा है। तो इसीलिए द केरला स्टोरी मूवी का ट्रेलर देखने के बाद अगर तुम्हारा थोड़ा भी इंटरेस्ट आ रहा है तो ये मूवी तुमको शायद अच्छी लग सकती है। फ्लॉज और कमियां इसके अंदर डेफिनेटली है, लेकिन पिक्चर का जो सब्जेक्ट है उसको डिजाइन करके प्रेजेंट इस तरीके से किया है कि तुम पब्लिक जो इस पिक्चर को देख रही है उनसे रिएक्शन निकलवाने में कामयाब हो। कुछ लोगों को गुस्सा आ सकता है, किसी को सैड फील होगा, किसी को ट्रेजिक फील होगा, मुझे पता है क्योंकि शाम की स्क्रीनिंग में गया था, ऑलमोस्ट 60% थिएटर फुल था और उसके अंदर जो नारे लगे हैं पिक्चर के बीच में काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस मैं बोलूंगा। लेकिन साथ में एक और चीज बिलीव नहीं हो रही थी कि फैमिलीज मूवी देखने आई हैं, वो भी छोटे बच्चों को लेके। उनको किसी ने बताया नहीं कि पिक्चर की रेटिंग ए है? समझ में नहीं आता कहां दिमाग चलता लोगों का, बच्चों को लेके आ गए, वो बीच में ही बोले जा रहे हैं, कुछ चिल्ला रहे हैं, और इस मूवी के सीन्स को देख के उनके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग पे पॉजिटिव असर चाहिए तो फिर मेरे चैनल की एक और वीडियो है, मैं रिकमेंड करूंगा देख लेना। और भी ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट चाहिए तो रील्स बनाने लगा हूं मैं इंस्टाग्राम पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।